हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ माधुरी और आज हम फिर से बहुत सारे माइक्रेम के साथ बनाएंगे बहुत ही अमेजिंग सी चीज़। तो ये फिर से मेरे पास है मल्टी कलर माइक्रेम। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मल्टी कलर माइक्रेम मिरर। तो उसके लिए हमें चाहिए ढेर सारा मल्टी कलर माइक्रेम। उसके बाद मैंने यहाँ पर दो राउंड शेप रिंग ली है जो कि है 8 इंच की रिंग, दोनों भी 8 इंच की रिंग है। और एक हमें चाहिए मिरर, तो ये मिरर भी 8 इंच का ही है। उसके बाद हमें चाहिए लाइटर और सीजर। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सो गाइस, माइक्रेम मिरर बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक राउंड शेप रिंग जो कि हमारी 8 इंच की रिंग है। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर रेड कलर का कॉर्ड लिया है और ये जो कॉर्ड है वो हमारी 1.5 मीटर की कॉर्ड है। तो इसे इस तरह से डबल कर लिया नीचे के साइड से, लूप बनाकर ऊपर की तरफ इस तरह से लगाएंगे। फिर से कॉर्ड को डबल कर लेंगे नीचे के साइड से ऊपर की तरफ इस तरह से। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर टोटल मैंने 6 कॉर्ड लगा है रेड कलर के और सारे कॉर्ड हमारे 1.5 मीटर के हैं। अब हम यहाँ पर नॉट लगाएंगे। तो एक ये जो लास्ट वाली जो हमने कॉर्ड अटेंड की थी इसे हम छोड़ देंगे, फिर 2 कॉर्ड लेंगे यहाँ पर और यहाँ पर लगाएंगे सिंपल स्क्वायर नॉट। सो गाइस, अभी आप बीच में फिर से नॉट लगाएंगे। फिर इसे इस तरह से डिवाइड कर लेंगे और ये जो साइड वाले कॉर्ड है इनको लेंगे। सबसे पहले ये एक कॉर्ड छोड़ देंगे और सेकेंड वाला जो है उनको लेंगे और यहाँ पर लगाएंगे अभी हिच नॉट। दूसरे साइड से भी उसी तरह से। अभी एक दूसरे के ऊपर रखकर फिर से एक हिच नॉट लगा देंगे। तो ये एक हो गई लाइन। अभी ये नेक्स्ट वाला जो कॉर्ड है इसे लेंगे और इसके ऊपर फिर से पाइपिंग करेंगे। फिर से यहाँ पर हिच नॉट लगाकर, तो ये देखिए यहाँ पर ये एक पैटर्न कुछ इस तरह से बन गया है। अब देखिए ये जो कॉर्ड है लास्ट वाली इसे लेंगे और यहाँ पर फिर से पाइपिंग करेंगे।
रिकॉर्ड छोड़ देंगे। यहाँ से भी एक कॉर्ड छोड़ देंगे। फिर से एक कॉर्ड छोड़ देंगे। यहाँ पर एक एक कॉर्ड को छोड़ना है, एक लाइन होने के बाद एक कॉर्ड को छोड़ देना है। देखिए इस तरह से, सॉरी, सो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक पैटर्न इस तरह से बनाकर रेडी किया है। अभी हमें इसी तरह से और भी अलग अलग कलर से इसे बनाने हैं। अगर आप इसे एक ही कलर में बनाना चाहते हो तो आप एक कलर में भी इसे बना सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर अलग अलग कलर से बनाने वाली हूँ, लेकिन बीच में इसके मैं वाइट कलर का कॉन्ट्रास्ट डालूंगी। मल्टी कलर में भी मैं वाइट कलर का कॉन्ट्रास्ट डालूंगी। तो वो किस तरह से किया है मैंने वो भी अभी आपको बता देती हूँ। तो उसके लिए हमें चाहिए व्हाइट कलर का माइक्रेम। सो गाइज अभी हम यहाँ पर व्हाइट कलर के कॉर्ड डालेंगे, और ये जो व्हाइट कलर के कॉर्ड है वो मैंने 1 मीटर तक कट किए हैं। ठीक उसी तरह से जैसे हमें रेड कलर कॉर्ड को इंसर्ट किया है, उसी तरह से नीचे के साइड से लूप बनाकर ये लगाने हैं हमें। और यहाँ पर मैं व्हाइट कलर के जो कॉर्ड है वो ले रही हूँ 4। साइड वाले एक एक कॉर्ड को छोड़ देंगे और मिडल वाले जो 2 कॉर्ड है उनको लेकर यहाँ पर एक स्क्वायर नॉट लगाएंगे। अब ठीक उसी तरह से यहाँ पर पार्टीशन कर लेंगे और हिच नॉट लगाएंगे। नेक्स्ट वो लक वाला कॉर्ड लेंगे और फिर से यहाँ पर हिच नॉट लगाएंगे। ठीक इसी तरह से दूसरे साइड से भी।
अब फिर से उसी तरह से एक कॉर्ड को छोड़ देंगे। दूसरे साइड से एक कॉर्ड को छोड़ के फिर से एक एक कॉर्ड को छोड़ देंगे। सेम यही पैटर्न है, लेकिन यहाँ हमने छोटे में बनाया है, बस इसमें और कुछ डिफरेंस नहीं है। तो इसी तरह से हमें ये पूरा सर्कल कंप्लीट करना है। जैसे कि देखिए, यहाँ पर मैंने रेड कलर यूज़ किया है, फिर मैंने यहाँ पर वाइट कलर, और वाइट कलर मैंने छोटा सा यूज़ किया है, ये जो पैटर्न है छोटा बनाया है। अब मैं यहाँ पर फिर से कोई और कलर यूज़ करूँगी, उसके बाद मैं फिर से वाइट कलर यूज़ करूँगी, फिर और एक कोई कलर यूज़ करूँगी, फिर वाइट। तो इस तरह से ये जो सर्कल है पूरा हमें कंप्लीट करना है, और ये जो बाकी बचे जो कॉर्ड है इनको हम कट कर देंगे। ये जो व्हाइट वाले जो कॉर्ड है मैंने 1 मीटर तक लिए थे, लेकिन आप आधा मीटर तक भी इसे ले सकते हैं, आधा मीटर में भी ये बन जाएगा। तो इसे कट करके जलाकर पीछे की साइड स्टिक कर देंगे। इस तरह से इसका भी हम उसी तरह से कट करके स्टिक कर देंगे। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था, उसी तरह से ये पूरा मैंने पैटर्न जो है बनाकर कंप्लीट किया है। तो जो मैंने आपको दिखाया था वो और रेड वाला था, रेड वाले में मैंने आपको दिखाया था, साइड में मैंने व्हाइट वाला बनाकर दिखाया था, वैसे मैंने ये ग्रीन वाला यहाँ पर बनाया है, फिर व्हाइट, फिर येलो, फिर व्हाइट, फिर पिंक, फिर व्हाइट, फिर ब्लू, फिर वाइट, फिर ऑरेंज, फिर वाइट। तो इस तरह से ये मैंने बनाए हैं, और इसमें मैंने 6 कलर 7 कलर टोटल यूज़ किए हैं, लेकिन मेन कलर जो है वो 6 कलर मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, और एक वाइट कलर। तो इस तरह से कलर इसमें यूज़ किए हैं, और 1.5 मीटर कॉर्ड इसमें लगी है। ये बड़ा वाला डिज़ाइन है मल्टी कलर, इसमें 1.5 मीटर लगे हैं, और इसमें छोटे में 1 मीटर से भी अंदर 1.25 मीटर या आधा मीटर तक आप इस यहाँ पर कॉर्ड ले सकते हैं। तो ये जो है हमारा बनकर रेडी है, और ए मिनी इसे भी आप देख लीजिए, ये बदमाश है जो मुझे काम करने नहीं देती ये है वो। चल मामिनी, बाय, चल, गुड गर्ल, चल। तो ये जो पैटर्न है बनने के बाद हमें चाहिए और एक राउंड शेप की रिंग, जो कि हमारी 8 इंच की सेम रिंग है, और चाहिए एक मिरर सेम साइज। तो अभी हम इसे जो मेन डिज़ाइन है उसे उल्टा कर लेंगे। आप इसे स्टिक भी कर सकते हैं, लेकिन स्टिक पर मुझे ज़्यादा भरोसा नहीं है, स्टिक करके जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं उस पर। तो इसलिए मैं इसे बांधूंगी अच्छे से, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर रखा है पहले एक मिरर, उसके बाद और एक रिंग, इस तरह से। अब डिज़ाइन बनने के बाद हम इसे उल्टा करेंगे इस तरह से, और एक मैंने यहाँ पर कॉर्ड ली है, ये 1.5 मीटर तक कॉर्ड है, और मैंने वाइट कलर की कॉर्ड इसलिए ली है कि कहीं से भी इसे बाहर निकालेंगे तो हर जगह पर वाइट कॉर्ड, वाइट डिज़ाइन है, तो उसमें मैचअप हो जाएगा। तो इसलिए मैंने ये वाइट वाला ही कॉर्ड लिया है। अब हम यहाँ से इस तरह से कॉर्ड को अंदर की तरफ लेकर यहाँ पर एक अच्छे से नॉट लगा लेंगे। और इसे कट करके जलाकर स्टिक कर देंगे।
इसके बाद ये जो मिरर है इसे हम इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। सेम साइज मिरर है, जितनी रिंग है उतनी ही मिरर है। और ऊपर से और एक हम 8 इंच की ये राउंड शेप रिंग इसके ऊपर रख देंगे और कॉर्ड को इस तरह से सामने वाली साइड लेकर आएंगे। और यहाँ नीचे से आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ नीचे से इस तरह से कॉर्ड को लेंगे ऊपर की तरफ। अब मिरर को अच्छे से सेट कर लेंगे और कॉर्ड को टाइट कर लेंगे। अब ये जो ऊपर वाली रिंग है इसमें हम कॉर्ड को फंसाएंगे। अच्छे से टाइट कर लेंगे। अभी फिर से ये कॉर्ड जो इसी तरफ लेंगे और ये जो ऊपर वाली रिंग है इसमें और एक बार इसे फंसा देंगे। अब फिर से कॉर्ड को नीचे की तरफ डालेंगे मिरर को काफी अच्छी तरीके से सिक्योर करना पड़ता है। हम यहाँ से कॉर्ड को निकालेंगे चारों तरफ से इसी तरह से। अभी हम इस मिरर को रैप कर लेंगे। कॉर्ड को फिर से घुमाएंगे। इस तरह से हमें ये मिरर रैप करना है। मैं और थोड़ा इसे रैप करूंगी, लेकिन यहाँ पर मुझे आपको एक चीज बतानी है। जब आपका मिरर सिक्योर होना स्टार्ट हो जाए उसके बाद में इससे ज्यादा प्रेशर मत दीजिए, ज्यादा टाइटली खींचिए वगैरह मत, क्योंकि मिरर पर अगर प्रेशर आ गया तो मिरर
टूट भी सकता है, तो इसलिए अभी एक दो लाइन तक आप थोड़ा प्रेशर लगाकर कॉर्ड नॉट लगा सकते हो, उसके बाद में आप धीरे धीरे कीजिए, कोई प्रेशर मत दीजिए मिरर के ऊपर। तो मिरर को अच्छे से सिक्योर करने के बाद कुछ इस तरह से अब हमें इसे हैंग करने के लिए कुछ बनाना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी वेस्टेज से एक पिंक कलर की कॉर्ड ली है, और अभी ऑब्वियसली पिंक कलर की कॉर्ड ली है तो पिंक जो डिजाइन है वही से मैं करूंगी। आप वाइट भी ले सकते हैं, वाइट इससे आसानी होगी क्योंकि वाइट कलर बहुत है इसमें, तो आप कहीं से भी कॉर्ड को फंसा सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो पैटर्न है, इसकी मिडल से मैंने रिंग के नीचे से कॉर्ड को डाला और ये जो रिंग के ऊपर से मैंने इसे निकाला, ये लूप बन गया है यहाँ से, जैसे हम कॉर्ड को फंसाते उसी तरह से। आपको कितना इसे लंबा रखना है आप आपके अकॉर्डिंग इसे कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर इस तरह से सिंपल सा नॉट लगा रही हूँ दोनों साइड से, ताकि अच्छे से सिक्योर हो। और इसे जलाकर स्टिक कर देंगे। सो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से मैंने यहाँ पर इसे हैंगिंग बनाया है, और इस तरह से ये हमारा मल्टी कलर मिरर जो है वो बनकर रेडी है। सो गाइज इस तरह से हमारा ये माइक्रेम का मल्टी कलर माइक्रेम का मिरर बनकर रेडी है। बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ मटेरियल से लगता नहीं है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे पिक सेंड कीजिए, कमेंट्स में बताइए। और हाँ, मैं और एक बात आपसे बोलना चाहती हूँ कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा देखना है वो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, ताकि मैं उस पर काम कर सकूँ। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर कोई नया है तो, साथ ही साथ बेल आइकॉन हिट कीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय।